सबकी आंखें तुझ पर ही टिकी है, दे हर उठा दिए तू दे तो। अरे यार अब तो फिर से शुरू मत हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट तू है, एक्सेप्ट दिस। अरे यार ये सब छोड़, ये बता साइंस की क्लास अटेंड की थी तूने परसों? हाँ, तू टेंशन मत ले, मैंने सारे नोट्स बना लिए। तू क्या सोचा है, कुछ हो सकता है? सिंपल है बॉस, इंप्रेस करो और बाजी मार जाओ। लेकिन जितना आसान लगता है असल उतना है क्या? मेरे बेटे किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर पूरी जज्बाजी करो। साले जब देखो तब डायलॉग चुपकाता रहता है, रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। मेरे बेटे रील रियल से इंस्पायर्ड है हर दम। यार वो जा रही है। तू जाने देना यार, देख तू टेंशन मत ले। मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? ये जो लड़की है ना, नैना की बचपन की दोस्त है। तुझे कैसे पता? अबे फेसबुक पे देखा था यार। और ये जो बंदी है ना, वो नैना की बचपन की दोस्त है। नैना हर मामलों में उसी की सलाह लेती है। तो तू ये कहना चाहता है मैं नैना से पहले उसकी दोस्त को पटाऊं? एग्जैक्टली माय बॉय, कितना समझदार हो गया है तू। अबे नैना के बदले ये मेरे पीछे पड़ गई तो फिर क्या भाई, लड़की तो लड़की होती है, नैना नहीं तो उसकी दोस्ती सही। हट साली चूतिए। वाह भाई क्या जमाना है, मदद भी करो सलाह भी दो और बदले में गाली मुबारक। अबे साले ये तो सिर्फ 3,000 है, बाकी के 2,000 कहाँ है? अरे कौन से 2,000? अबे साले मैं तुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला दिखता हूँ क्या? 2,000 ब्याज के कब देगा, मेरे में पैसे नहीं है। भाई मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपके 2,000 भी दे दूंगा। एक काम कर, ये घड़ी दे मुझे, उतार घड़ी निकाल भाई, उतार उतार ना घड़ी दे तू। मेरे 2,000 दे जाइयो और अपनी घड़ी ले जाइयो, चल निकल घंटी बार। अरे देख क्या रहा जान है भाई। अरे भाई तू इधर क्या कर रहा है? अबे यहाँ वहाँ क्या कर रहा है, सीधा बोलना। अरे भाई वो नैना भाभी आ रही है आपसे मिलने। क्या बात कर रहा है, सच बता यार। हाँ भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको इधर आते हुए। एक काम कर तू निकल यहाँ से, मैं तेरे भाभी से अकेले मिलूंगा। नाउ गेट लॉस्ट यू। वाह भाई वाह, एक तो मैंने आपको बताया कि भाभी आपसे मिलने आ रही, ऊपर से आप मुझे ही बेइज्जत कर रहे हो। अरे मुन्ने सुन पगले, तू मेरी जान है, ये ले 20 रुपए और जा दो चाय लेके आ। ठीक है भाई। Society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ये सब करने की? तुम्हें क्या लगा तुमने जो मेरे भाई के साथ किया मैं बहुत खुश होंगी, तुम्हारी आरती उतारूंगी? लिसन दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, ठीक है? तुमने जो अपने जितनी भी तुम्हारी ये गुंडा कर दी है ना, किसी और को जाके दिखाना, अंदर करवा दूंगी तुमको अंदर। I don't run, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams,
अरे भाभी जी आप जा रहे हो, मैं आपके लिए चाय लेके आया था। अरे भाई मैं कुछ समझा नहीं, मैं एसोल और ये आपका गाल लाल क्यों दिख रहा है? शट अप। सुन तूने नोट्स प्रॉपर्ली पढ़ लिए थे ना? हाँ हाँ यार, थैंक यू सो मच, तू नोट्स बना लेती है, वैसे भी मुझे डांस प्रैक्टिस से फुर्सत ही नहीं मिलती है। कोई ना, दोस्त होते इसलिए। नहीं यार, हैट्स ऑफ टू यू, तू जो इतना कर देती है मेरे लिए, आज के टाइम पे कौन करता है किसी के लिए इतना। यार तुझे सही में लगता है नैना मेरी आउट ऑफ लीक है? ऑफ कोर्स यार, उसका स्टैंडर्ड देख और अपना, अगर वो 5-star वाली डिम सिम है ना तो तू नुक्कड़ का मोमो, समझा? तू ना रहने दे साले, जब देखो तब मेरी बुराई करता रहता है यार, कभी तो अपने मुंह से मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दिया कर। अच्छा ठीक है, पट जाएगी, पर लेकिन कुछ तू ऐसा तो कर जैसे वो स्पेशल फील करे। स्पेशल? देखो बच्चों, मेरा आज बहुत मूड खराब है, जो कि तुम में से किसी एक ने किया है, क्योंकि मुझे आज मेरी सैलरी मिली थी जो तुम में से किसी एक ने चोरी की है। तो बेटर यही रहेगा तुम सबके लिए कि मेरा सैलरी का चेक ला के दे दो, अदरवाइज ऐसी टीसी काटूंगा तुम लोगों की कि कहीं पर भी एडमिशन लेने के लायक नहीं रहोगे तुम लोग। किसका बैग है? किसका बैग है? जल्दी बताओ किसका बैग है? ये तो तेरा बैग है। हाँ लेकिन मैंने चोरी नहीं की। किसका बैग है जल्दी बताओ, किसका बैग है? अच्छा तो तूने मेरा चेक चुराया था बेटा, तो तुझे भगवान नहीं बता सकता। चल प्रिंसिपल ऑफिस। बैठ जा। यू स्टैंड अप, खड़े हो। कुणाल प्रिंसिपल ऑफिस राइट नाउ। आई फील लाइक आई एम लूजिंग माय माइंड, everybody in the world blind, please lord give me a sign, a sign. क्यों क्यों हेल्प की तुमने मेरी? दिशाओं में भाग रहे हैं क्योंकि मिस्टर मजनू तुम्हारा दिल जोया की दिशा में है, अगर तुम अपना दिल लड़की बाजी में से निकालोगे तभी तो तुम्हारा दिल पढ़ाई में लगेगा। बेटा तो ज्यादा जोर का पति बन बन अपनी पढ़ाई कर ले, वरना बोर्डिंग में जाना पड़ेगा। अरे ये सब छोड़ो प्रतीक, तू तो चंडीगढ़ से है ना? हाँ क्यों? क्योंकि मैंने सुना है चंडीगढ़ की लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। इंटेलिजेंट? हाँ तेरे बंदे को बताओ कितनी इंटेलिजेंट होती हैं। अरे तुम तो दिल पे ले गई, मैं तो प्रतीक को कम्फर्टेबल बनाने के लिए कह रहा था। भाई तू सुन, लेकिन इस चूतिया की मत सुन, अगर तुझे अपने स्कूल में कोई भी लड़की पसंद आए ना तो तेरा भाई करवाएगा सेटिंग तेरी। प्रतीक ब्रो तू क्यों इन सब की सुन रहा है यार, इनकी खुद की सेटिंग ना है तेरी का खाक सेटिंग करवा देंगे। अबे वो चूतिए, मेरी तो कम से कम है तो सही, तेरी तेरे हाथों की लकीर तो नहीं घिसता। देख अब ये पर्सनल हो रहा है, तू अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है।
अबे मैं लाइन क्रॉस नहीं कर रहा, लाइन बना रहा हूँ। शट अप गाइस, तुम दोनों एक्चुअल में रहने दो। और जहाँ तक तुम्हारी अपनी इमेज की, लड़की तुम्हारी पीठ पीछे चमन कहती है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। अब इधर देखो, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज PBP HHB। ओके, PBP HHB। ओके, आई गॉट दिस। PBP प्रतीक बना प्रेमी। हाँ भाई, सारे लिख लो, प्रतीक बना प्रेमी, हैंस प्रूफ। नहीं डफर, इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये कौन है? और आप मिस्टर बाबे कुछ ना बोले, ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं है? पता नहीं, पर कुछ तो अलग बात है इसमें। यार ये साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के तो मेरे दिमाग का टन टनाटन हो गया है, मैं नहीं पढ़ रहा। मोटे मोटा ली से बाहर निकलेगा तो तभी तो तेरे को साइन थीटा कॉस थीटा का दिमाग में पड़ेगा। That's not debatable. सुना है कि जरूरी नहीं फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर बेकार हो तो दूसरा भी बेकार निकले। Everyone deserves a second chance. क्यों अदिति? नोटबुक में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है? और हाँ, अच्छे से पढ़ लेना, काम आएंगे बहुत। ओके, आसान तो हो गई हैं चीज़ें। चलो अच्छा है, तुम्हारे बाहर है, हम सब की रिवीजन हो गई है। वैसे मुझे पता है कि लीव्स की वजह से तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी इधर उधर हो गई है, बट कोई बात नहीं, परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे आएगा पर चलेगा। डन। वेल, मुझे लगता है प्लान ही काम ना आए तो प्लान बी को एग्जीक्यूट करना चाहिए, इरादे नहीं बदलने चाहिए। वैसे ना, आई लाइक यू।